5 जून को राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर जहां एक तरफ केसरगंज बीजेपी सांसद बृजभूषण चरण सिंह उत्तर भारत में घूम घूम कर उनके विरोध में कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह राज ठाकरे के स्वागत करने की बात का बयान 2 दिन पहले ही दे चुके हैं। उस बयान को लेकर उन्होंने बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को नशा करने वाला आदमी बताया है। पान खाए थे एक सुपारी, कोई होती नशीली, कोई होती सुपारी कच्ची, वही 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 उनके दब गई, नशे में आ गए, बोल गए। ये बात तो नहीं देखी कहीं आप उनकी अयोध्या में कहीं कुछ ऐसी की बात हो? नशा में वो सुपारी जो है दिमाग घुमा दी, और कोई बात नहीं, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के आदेश के बाद मदरसों में आज से राष्ट्रगान गाया गया। कई मदरसों में पूर्व से ही राष्ट्रगान गाया जा रहा था, पहले ही राष्ट्रगान होता था। 2 तस्वीरें एटा और उन्नाव के मदरसों की है जहां राष्ट्रगान गाया गया। मदरसा संचालकों ने हर मदरसे में राष्ट्रगान के गायन को अनिवार्य कर देने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया, और उसके बाद ये तस्वीरें उन्नाव और एटा की जहां मदरसों में राष्ट्रगान हुआ। एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एटा में यहां रियलिटी चेक किया गया, और रियलिटी चेक में ये पाया गया कि एटा के मदरसों में नियमित रूप से राष्ट्रगान हो रहा था। इस दौरान फातिमा इस्लामिया मदरसा की प्रिंसिपल ने बताया है कि 2001 से ही अनिवार्य रूप से मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है, साथ ही यूपी सरकार के आदेश का भी स्वागत किया। वहीं बरकातिया इस्लामिया मदरसा के प्रबंधक मोहम्मद इरफान ने बताया है कि मदरसे की स्थापना के साथ ही राष्ट्रगान हो रहा है और सरकार के आदेश का पालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मदरसों में राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया है। पढ़ाई शुरू होने से पहले अब वहाँ राष्ट्रगान हुआ करेगा, उसके बाद दुआएं पढ़ी जाएंगी, उसके बाद शिक्षण का कार्य प्रारंभ होगा। पहले भी कुछ स्कूलों में राष्ट्रगान होता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। हमारे बीच हैं इस विद्यालय की प्राचार्या, आइए उनसे बात करते हैं कि जो राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इससे देश प्रेम की भावना जागृत होगी? मैं यास्मीन, यहाँ हमारे यहाँ जब से मदरसा स्थापित हुआ है, जब से हमारे यहाँ राष्ट्रगान होता है और आगे भी होता रहेगा, इससे बच्चों में देशभक्ति बढ़ेगी और बच्चे जानेंगे कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है। अच्छा, ये बताइए आपका ये मदरसा कब स्थापित हुआ, और जैसा आपने कहा कि शुरुआत से ही आप राष्ट्रगान का गायन करा रहे हैं, कब से यहाँ आप राष्ट्रगायन नियमित करा रहे हैं? मेरा मदरसा 2001 से स्थापित हुआ है, और जब से मैं यहाँ राष्ट्रगान सुनती आ रही हूँ, जब तो मैं यहाँ प्रिंसिपल नहीं थी, लेकिन तब भी राष्ट्रगान होता था और अब भी होता है और होता रहेगा। तो ये थी यास्मीन जी, जो कि इस मदरसे की प्रिंसिपल हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय है प्रत्येक मदरसे में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना, ये बहुत अच्छा निर्णय है। इससे देशभक्ति की भावना प्रबल होगी और जो बच्चे हैं वो राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के साथ साथ तालीम ग्रहण करेंगे। राकेश भदौरिया, ABP गंगा, एटा।